हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको डीडीए का फ्लैट दिखा रहा हूँ, नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। आप देख सकते हैं रिजर्व्ड कार पार्किंग है, सामने आपको मंदिर भी दिख रहा है। तो सेक्टर 12 पॉकेट 7 रिहायशी अपार्टमेंट में आज आपको बढ़िया अमेजिंग फ्लैट दिखाऊंगा, 2 BHK कन्वर्टेड 4 BHK। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर द्वारका होम्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करूँगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग डील। ये डील आप अगर छोड़ देते हैं तो फिर समझ लें कि बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अपना। बहुत अच्छी डील लेके आया हूँ आपके लिए। 2 BHK का फ्लैट है जो कि कन्वर्टेड है 4 BHK में। तो ये ऐसे फ्लैट बहुत कम आते हैं, तो ये आज आपको दिखाऊंगा कैसे किस तरह से है ये। सबसे पहले बात करें, सेक्टर 12 प्राइम लोकेशन में है द्वारका की, मेन रोड का फ्लैट है ये। इसमें आपको ड्राइंग रूम मिलता है, अभी थोड़ा सा ये अलमीराज रखी हुई है, अदरवाइज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसमें आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। तो ये ड्राइंग रूम और ये पूरा यहाँ तक ड्राइंग रूम देखें, इस तरह से पूरा ड्राइंग रूम का स्पेस मिलता है आपको। तो ये पूरा ड्राइंग रूम मिलेगा। जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। कई बार अच्छी अच्छी डील्स आपके ले आता हूँ तो वो छूट जाती हैं, फिर आप बोलते हो बाद में कि भैया वो रह गया था, ये निकल गया, बिक जाती है चीज़ें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, फेसबुक पर द्वारका होम्स को, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब मैं फ्लैट शुरू करूँ। तो ये ड्राॅइंग रूम दिखाया, ये किचन मिलती है आपको। ये इसमें काम किया हुआ फ्लैट है, थोड़ा बहुत काम आपको कराना पड़ेगा, पुराना हो रखा है, बाकी इतना काम भी डीडीए में नहीं होता है। तो ये पुराना फ्लैट है, ये इसकी किचन है, वेंटिलेशन पूरा है फ्लैट के अंदर, आप देख सकते हैं किचन। आप आराम से देखें एक बार, ये आपको किचन मिलेगी इसमें, देख सकते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम आपको ये मिलेगा, तो इस तरह से थर्ड फ्लोर का फ्लैट है। इसके ऊपर भी 1 BHK पूरा बना हुआ है, या 2 बेडरूम मान लो, ऊपर 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम नीचे हैं, इस तरह से ये 4 बेडरूम बन जाता है। और ऊपर सिर्फ 2 बेडरूम ही नहीं है, अलग सेपरेट किचन भी है और वॉशरूम भी है। तो अगर आपको ऊपर वाला पोर्शन अलग से रेंट आउट करना है तो वो भी हो जाएगा। किसी को दो भाई हैं, जैसे दो ब्रदर रहते हैं, या फैमिली बड़ी है, ऊपर नीचे रहना चाहते हो तो रह सकते। फ्लैट में जब भी लाता हूँ, जैसे 2 के 4 कन्वर्टेड, 2 के 3 कन्वर्टेड, या ऊपर नीचे वाला, जल्दी बिक जाता है, तो ये भी बिकेगा। तो ये देखेंगे आप, इसमें इसका बेडरूम है, यहाँ पूरी वार्डरोब मिल जाएगी इस तरह से आपको, ठीक है। एक इसमें अलग सी चीज़ ये है, ये शावर एरिया दे दिया आपको, तो इधर एक शावर एरिया है इस बेडरूम में, पूरा प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, पर ये शावर एरिया यहाँ पर आपको मिल गया बेडरूम में ही, वॉशरूम, एक वॉशरूम। इसके वॉशरूम्स की बात करूँ तो इधर 2 वॉशरूम मिल जाएंगे आपको, तो इधर 2 वॉशरूम देख सकते हैं, एक वॉशरूम ये है और एक टॉयलेट आपको यहाँ है, गेस्ट वॉशरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 वॉशरूम मिल जाएंगे आपको। 1 BHK करके ऊपर चढ़ा, 2 बेडरूम अलग से रेंट पे देना है, वो भी चढ़ जाएगा, 10-12 हज़ार रुपये उसका रेंट आ जाता है, 25-26 हज़ार रुपये इस वाले पोर्शन का रेंट आ जाएगा। तो अगर आप मोटा मोटा देखें 37-38 हज़ार रुपये इस फ्लैट का रेंट भी आ जाएगा, अगर आपको अलग अलग पोर्शन देने हैं तब भी। अगर आपको ये वाला पोर्शन रेंट पे देना है, एक में रहना है तो भी रह सकते हो, किसी को ये रहना है ऊपर वाला रेंट पे वो भी कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड बेडरूम, इसमें भी वार्डरोब है, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एसी लग जाएगा, तो ये रूम साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। अब इसकी बालकनी दिखाता हूँ आपको, मेन रोड का फ्लैट है, काफ़ी बड़ी बालकनी मिलती है, इतनी बड़ी आपको बालकनी मिल जाएगी इसमें, और मेन रोड का फ्लैट है। अगर मैं नीचे देखूँ, इसमें रिजर्व्ड कार पार्किंग है सबसे बड़ी बात। तो ये जो फ्लैट नंबर नीचे डाला हुआ है, डीडीए में रिजर्व्ड होती नहीं है, इस वाली डीडीए में रिजर्व्ड है, तो आपको एक कार पार्किंग रिजर्व मिलेगी। बाहर निकलते ही पॉकेट के सेक्टर 12 की मेन मार्केट मिल जाएगी, मेट्रो पास में है, सिटी सेंटर मॉल पास में है, तो सिटी सेंटर मॉल पास में है सेक्टर 12 का, 12 का मेट्रो स्टेशन पास में है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी तो मैंने आपको नीचे का पोर्शन दिखाया, अब ऊपर का पोर्शन दिखाता हूँ। स्टार्ट। अब हम अपने ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं, ये सेपरेट टैंक्स हैं, तो यहाँ नीचे वाला जो भी आएगा इधर सेपरेट टैंक्स में जा सकता है। ये वाला पोर्शन आपका पूरा सेपरेट है, तो ये 2 बेडरूम तो मिलेंगे ही आपको, और साथ में छत अभी और है आपकी, छत भी दिखा दूंगा। ऊपर मिलते हैं, या तो इसको ड्राइंग रूम मान लो और एक साथ वाले को बेडरूम मान लो, तो 1 BHK पूरा सेट है। अगर आपको बेडरूम मानने, तो एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम इधर है, तो एक बेडरूम बड़ा ये है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 6, 10, 10 बाई 14 का रूम साइज ये है। इसके साथ भी आपको बड़ी बालकनी मिलती है, बालकनी देख सकते हैं, इसके साथ भी आपको ये मिलती है बड़ी बालकनी, लश ग्रीन है। अगर बालकनी से आप व्यू देखेंगे, सामने पार्क है डीडीए का बड़ा, पूरा ग्रीन व्यू नज़र आएगा इस, और नीचे रोड भी देखें, काफ़ी अमेजिंग रोड मिल जाएगी, रिजर्व्ड कार पार्किंग मिल जाएगी इसमें आपको। बेडरूम ये है तीसरा, और इसके साथ में है चौथा बेडरूम। सो गाइस, इस रूम का साइज तो उस वाले से भी बड़ा है,
इसका साइज़ देखें आप कितना बड़ा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 18 फीट ऐसे है, और ऐसे में 2, 4, 6, 8, 10 10 बाई 18 का रूम साइज़ है ये। आप इमेजिन करें कितना बड़ा रूम साइज़ है, और इस रूम साइज़ के साथ साथ इतना बड़ा रूम साइज़ मिलेगा, और ये मिलेगी आपको सेपरेट किचन, तो इसलिए ये पोर्शन अलग से भी रेंट पे चढ़ जाता है। ये किचन मिलेगी आपको सेपरेट, ये आपकी विंडो है, ये पूरी किचन बनी हुई है इसमें, ये किचन, और इसमें एक वॉशरूम भी है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, आप वॉशरूम भी देख सकते हैं इधर जाके। आप खत्म नहीं हुआ, 4 बेडरूम दिखा दिया, अब छत दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप आराम से जीना लगा हुआ है बढ़िया, ऊपर जा सकते हैं। तो ये छत देख सकते हैं, मतलब 2 BHK का 4 हो गया, उसके साथ छत हो गई, और ये ऑन पेपर्स नक्शा पास है DDA से, जो ऊपर वाला पोर्शन बनाया हुआ है ये ऐसे ही नहीं बना दिया, कहीं भी बना दिया, DDA से नक्शा पास है, उसकी कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, तो DDA से परमिशन लेके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आपको पूरी टेरेस मिल जाएगी अलग से, और ये टैंक्स हैं आपके हैं कुछ नीचे वालों के, ये अलग से सेपरेट टैंक्स हैं। सामने सिटी सेंटर मॉल दिख जाएगा आपको, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करोगे मेट्रो स्टेशन भी वॉकिंग है, इधर से बना हुआ, इधर ऊपर से ये सामने आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की शेड दिखाई दे रही है, मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 12 का, और ये सिटी सेंटर मॉल, यहाँ से वॉकिंग ही है, तो पास में मेट्रो मिल जाएगी, पास में मेट्रो मिल जाएगी आपको सिटी सेंटर मॉल। और ये छत पे भी देखो काफ़ी काम कराया है, कितनी मोटी छत कर दी है, ताकि नीचे सीलन विलन कुछ नहीं आए, छत भी पूरी रिपेयर है। सामने DDA का बड़ा पार्क मिल जाता है, ओपन स्पेस है। तो ये जो है 2 BHK कन्वर्टेड 4 BHK, इसकी जो आस्किंग है 1,55,00,000 रुपये आस्किंग है, 1,55,00,000 नेगोशियेबल है, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, जल्द से जल्द ये चीज़ बिक जाती है इस टाइप की, 9540000508, इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिटी सेंटर मॉल, रेडिसन होटल भी पास में है, यहाँ से मार्केट तो निकलते ही पूरी 12 की 11 की मार्केट पास में है, तो इसके लिए बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पर है ये। यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी पास में है, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे रेंट पे भी आराम से ले लेते हैं, किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना है और रेंट पे हम ही चढ़ा देंगे, रेंट पे भी किसी को रेंट पे चढ़ाना है तो हम रेंट पे चढ़ा देंगे, तो इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9540000508, 1,55,00,000 रुपये आस्किंग, 1,55,00,000 नेगोशियेबल है, इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।